सो वेलकम भाई, कैसे हो आप सब लोग। तो गाइस जैसे कि आज की वीडियो का आपने टाइटल और थंबनेल दोनों देख लिया होगा, लेकिन मैं आपको जब भी बता देता हूँ आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में बेसिकली फाइव पैप के बारे में ये वीडियो है। इस वीडियो में बहुत दिनों से मैं फाइव पैप की वीडियो बनाने की सोचा था, लेकिन कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं मिल पा रहा था मेरे को जो फाइव पैप में मैंने पहले कभी भी नहीं बनाया हो। लेकिन गाइस आज की जो वीडियो, इस वीडियो में हम फाइव पैप के बारे में बात करने वाले। फाइव पैप में अगर आपको मनी ऐड करनी नहीं आती तो इस वीडियो को जरूर स्टार्टिंग से एंड तक देखना। इस वीडियो में पूरा आपको बताने वाला हूँ आप अपने फाइव के वॉलेट में कैसे मनी ऐड कर सकते हैं। तो कोई डाउट है फाइव रिलेटेड पर कोई किसी भी ऐप से रिलेटेड, तो जल्दी से कमेंट में जाके बता सकते हो। उस टॉपिक पे अब जल्दी जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा क्लोज है। तो जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल पे कंप्लीट करवाओ। तो गाइस आज की वीडियो को बिना देर के यहीं पे स्टार्ट करते हैं। पूरी वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि आप कैसे अपना फाइव के वॉलेट में मनी ऐड कर सकते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो फाइव ऐप है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो जैसे कि आप देख रहे हो अभी इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ फाइव ऐप को। यहाँ से अभी देख सकते हो कुछ इस तरीके का इंटरफेस होता है जब आपने फाइव ऐप को ओपन करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से आपको एड मनी करने के लिए इस वाले एड वाले ऑप्शन पे आपको सबसे पहले क्लिक करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा, एड मनी मिलेगा। यहाँ पे आपको अपना अवेलेबल बैलेंस दिखाएगा, उसके बाद ये आपको दिखाएगा यहाँ से अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई से अगर आपको पेमेंट मनी ऐड करनी है तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। ये भी करके दिखाऊंगा आपको मैं भी, लेकिन गाइस मैं आपको पहले बता देता हूँ मेरे पास कोई भी अभी पेटीएम, फोन पे या फिर ऐसे किसी भी जो 18 से अब के लिए होता है उसका कोई भी अकाउंट नहीं है मेरे पास। मैं फेमपे से ऐड करके दिखाऊंगा। अगर फेमपे से ऐड हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप एक बार अपने फोन पे या पेटीएम से ऐड करके देखना और कमेंट में जरूर बताना कि जो फेमपे में, फोन पे या पेटीएम से हमारे फाइव में मनी ऐड होती है फिर नहीं होती है। आप मिल जाता है क्यूआर कोड, इस क्यूआर कोड से आप बहुत इजीली कर सकते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे भी, उसके बाद आपको मिल जाता है यूपीआई आईडी। यहाँ पे यूपीआई आईडी, मेरी यूपीआई आईडी ये है और कुछ इस तरीके की आईडी है। आपको यहाँ पे सबकी मतलब अलग अलग आईडी होती है, यूनिक आईडी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ अभी मैं इसका जो ये क्यूआर कोड है इसका मैंने दूसरे फोन में अपना यहाँ पे फोटो क्लिक कर लिया, तो अभी मैं उसको निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपना जो क्यूआर कोड है उसकी यहाँ पे फोन में अपना जो सामने आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मैंने दूसरे फोन में यहाँ पे इसकी वो पिक है वो क्लिक कर लिया है। तो अभी सबसे पहले मैं अपना यहाँ से फेमपे ऐप है वो ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से जैसे कि आप कर सकते हो सबसे पहले पे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से आप जब भी आप अपना स्कैन करोगे, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने स्कैन करा, उसके बाद मेरा जहाँ पे है वो आ चुका है पूरी अपनी यूपीआई आईडी येस बैंक का आ चुका है। अब देखते हैं यहाँ से मैं अपने इसमें 10 रुपीज ऐड करके देख लेता हूँ कि हमारे जो मनी है वो ऐड होती है फिर नहीं हो पाती, और देखते हैं यहाँ पे हमारी जो मनी है वो ऐड होती है सक्सेसफुली या फिर नहीं हो पाती है। यहाँ से पेमेंट है वो हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है, मनी पेड सक्सेसफुली यहाँ पे आ भी चुका है। अपना फाइव ऐप है वो ओपन करके देखते हैं, हमारा जो अवेलेबल बैलेंस था वो आपको उस वाले फोन में दिख रहा होगा 5.29 रुपीज था। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे जूम करके थोड़ा, है ना, जैसे कि आप देख रहे हो वहाँ पे आपको दिख गया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं फाइव ऐप में ओपन करके कितना हमारा बैलेंस है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से अभी फाइव ऐप में ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले। अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अभी तक हमारी मनी है वो ऐड नहीं हुई है। हमारा जो पहले हमारे फेमपे से हमारी जो मनी है वो तो डिडक्ट हो गई है, लेकिन हमारे फाइव में अभी मनी ऐड नहीं हुई है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ से भी मेरे यहाँ से तो मनी डिडक्ट हो चुकी है। एक बार वापस से करके देख लेता हूँ कि क्या पता हमारे गाइस वापस हो जाए। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे भी मैं इसको क्यूआर कोड को वापस स्कैन कर लेता हूँ और आपके पास 1 रुपीज ओनली ऐड करके देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैं 1 रुपीज ऐड करता हूँ, यहाँ पे पेमेंट है वो फेल हो चुकी है आपकी बार, है ना। तो गाइज आप देख सकते हो मेरे तो फोन से ऐड नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों। एक बार और ट्राई कर लेता हूँ लास्ट बार, अगर आपकी बार ऐड हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना सेकेंड जो हमारा दूसरी है उसकी तरफ चलते हैं। ये पेमेंट है सक्सेसफुल हो चुकी है। अभी देखते हैं हमारे जो फाइव ऐप में उसमें हमारे पैसे आए हैं या फिर नहीं आए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो फाइव ऐप हमने ओपन कर लिया है, यहाँ से आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे भी हमारे 5 रुपीज थे, अब यहाँ पे अब की बार जो हमारे पैसे हैं वो ऐड हो चुके हैं, 6 रुपीज यहाँ पे हो चुके हैं। गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 6.29 रुपीज है, और आपको मैं वहां पे दिखा देता हूँ सामने, देख सकते हो जब हमारे अकाउंट में 5.29 रुपीज थे। तो अभी अभी गाइस आपकी जो मनी है पता नहीं क्या हो रहा है, पहले जब हमने ऐड करा था 10 रुपीज शायद वो मेरे फेमपे के अकाउंट में वापस आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, है ना। यहाँ पे क्या पता हमारी जो मनी है वो वापस आ जाए, डिडक्ट हो गई थी जो मनी 10 रुपीज हमारे यहाँ पे। अभी अगर बाद में 10 रुपीज है वो रिफंड होते हैं तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, है ना। तो अब सेकंड प्रोसेस की तरफ हमारे चलते हैं, यूपीआई आईडी है जो हमारा सेकंड, यूपीआई से अब हम करके देखते हैं।
तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो अभी सेकंड प्रोसेस पे हम चलते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अब हम फोन पे में चलते हैं। आप एक बार मेरे को फोन पे या पेटीएम से जरूर करके बताना गाइस। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा था टू यूपीआई आईडी, यहाँ से जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी है वो यहाँ से मैं इजिली पेस्ट कर सकता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ से मैंने पेस्ट कर दिया है और वेरीफाई एंड पे पे क्लिक कर दिया है। अभी यहाँ पे मैं ओनली 1 रुपीज एड करूंगा, क्या पता गाइस ये पेमेंट हो पाए ना हो पाए। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से अपना पेमेंट है वो मैं पिन कर देता हूँ इसको, और आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे हमारे पेमेंट है वो प्रोसेसिंग में है। अभी देखते हैं हमारी जो मनी है वो ऐड हो पाती है फिर नहीं हो पाती है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से हमारी जो मनी है वो ऐड हो चुकी है, और अब की बार हमारे पास गाइस ऊपर नोटिफिकेशन आ चुका है यहाँ पे योर वॉलेट इज लोडेड, और यहाँ पे दोनों बैंक में आ चुका है, मतलब हमारे फैमपे से भी आ चुका है और हमारे IDFC बैंक से भी आ चुका है। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ से हमारा जो UPI है, आप QR कोड के बजाय आप यहाँ से इस तरीके से पेमेंट ऐड करके देखना, क्योंकि गाइस QR कोड में तो हमारे पहले 10 रुपीज है वो स्टक हो गए थे, मनी होल्ड हो गई थी, और आपको यहाँ से इसमें जो मनी है वो होल्ड नहीं होती, थर्ड मेथड है वो मतलब कार्ड वाला वो स्वैप करके देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ से अपने पहले मैं यहाँ से अपने फैमपे से मतलब कार्ड की जो चीज़ें हैं मतलब जो चीज़ें वो मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे अभी मैं अपने कार्ड की डिटेल्स यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। आपको यहाँ से सबसे पहले मैं आपको 1 रुपीज ऐड करके दिखा देता हूँ ओनली अपने जो कार्ड से है उससे। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ से ऐड मनी पे जब हम क्लिक करते हैं यहाँ पे 50 रुपीज मिनिमम है अगर आप अपने कार्ड से पेमेंट करते हैं। तो चलो जब भी करके देखते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। 50 रुपीज यहाँ से आप मिनिमम ऐड कर सकते हैं। यहाँ से अपना डेबिट कार्ड पे जब हम क्लिक करते हैं, ऐड न्यू कार्ड पे जब हम क्लिक करेंगे, तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सारी चीजें फिल कर दी है। अब अपना ऐड रुपीज 50 पे करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा दिखा रहा है ओनली डेबिट कार्ड अलाउड, मतलब गाइस ये हमारी पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। अभी मैं वापस से करके देख लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ओनली डेबिट कार्ड अलाउड दिखा रहा है यहाँ पे, और अपने जो QR कोड से मतलब ये UPI ID से मैंने पेमेंट करी थी 1 रुपीज की, तो वो तो पहली बार में हमारी कंप्लीट हो गई थी, लेकिन जो हमारा जो डेबिट कार्ड है उससे हमारी पेमेंट नहीं हो पा रही है। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही था। जैसे कि आपको मैंने पूरी वीडियो में बता दिया कि आप कैसे मनी ऐड कर सकते हो इजीली, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को साथ क्या सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बता देना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, कल मिलते हैं नए वीडियो था। तो चलो गाइस बाय। तो गाइस जैसे कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी मेथड थे 5 वॉलेट में मनी ऐड करने के वो मैंने आपको सारे करके दिखा दिए वीडियो में। अगर आपको जो वीडियो है वो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करके जाना, चैनल को साथ सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को ऑन कर देना जिससे कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके और आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके, है ना। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तो चलो गाइस बाय।